और क्लैपिंग शुरू करें। हथेलियों का रुख आसमान की तरफ करें, पूरा गंगाओं के नीचे हाथों को ले जाएं। श्वास भरते टुड्डी आपकी जमीन के साथ लगाएं, टुड्डी जमीन के साथ श्वास भरते अपने पैरों को पीछे से ऊपर उठाएं, जहाँ तक आप उठा सकते हो रोक के रखें। साथियों, जैसा कि आप सबको विदित है, आज पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि योगा के क्या फायदे हैं। नियमित रूप से रोज योगा करने से हम बहुत सारे बीमारियों से बच सकते हैं। योगा भारत की एक धरोहर है, जिसका उल्लेख महाभारत में भी किया गया है। यह जीवन जीने का मैनुअल है। हमारे मन और शरीर का एक बैलेंस है। मैं इस अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में आप सभी से यही गुजारिश करूंगा कि नियमित रूप से योगा को अपनाएं, इसके चमत्कारिक लाभ आपको देखने को मिलेंगे। अभी मीडिया के बंधु, जितने भी बंधु हमारे मीडिया के लोग बाहर से आए हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं कि यहां पे आए, अपना समय निकाल करके। धन्यवाद। जय श्री मान। योगा क्लास शुरू करने की अनुमति प्रदान करें। श्री मान क्लास आराम से बैठ। सभी योग साधकों को प्रणाम। आज 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिन है। योग का सामान्य अर्थ आज कोरोना का जो है दौर चल रहा है, और भी ज़्यादा ज़रूरी है इस समय योगा का करना। और आज जिस तरह अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पे है, आपने भी यहाँ पे योगा किया, तो सिक्योरिटी फोर्सेस में फिटनेस के लिए भी काम आ रहा है और एक स्ट्रेस बस्टर का भी काम कर रहा है। ये रेगुलर हमारा योगा चल रहा है, और जब से ये कोविड हुआ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज नहीं हो पा रही है, तो तब से हम रेगुलर योगा करा रहे हैं लोगों को। उससे हमें ये फ़ायदे हैं कि एक तो लोगों में जो बहुत सारी बीमारियां योगा से जो है दूर हो सकती है, कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है। तो कितना मदद किया सिक्योरिटी फोर्सेज को कोविड के दौरान, योगा से कितनी आपको लगता है मदद मिली? कोविड से कि हर इंडिविजुअल को बहुत ज़्यादा रुझान इसमें करने को मौका भी मिला है, और काफ़ी लोग इसमें इन्वॉल्व हुए हैं। पहले इतना मौका नहीं मिलता था, लोग भाग जाते थे ड्यूटीज वगैरह, फिजिकल एक्टिविटीज, लेकिन जब से कोविड शुरू हुआ है तब से लोग काफ़ी रुझान इसमें बढ़ा, काफ़ी लोग योगा करने लगे हैं, और उसके फ़ायदे भी सामने आ रहे हैं, उसके फ़ायदे भी लोगों को मिल रहे हैं। आज क्या एक मैसेज देना चाहेंगे अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस? मैं यही कहना चाहूँगा कि रोज़ हर आदमी, अगर हर व्यक्ति योगा करें, तो नेचुरली इसके जो परिणाम हैं वो बहुत चमत्कारिक परिणाम हैं। पहले क्या करते थे लोग, बहुत सारे लोग जिम भी जाते थे, लेकिन जिम जाने के बाद आदमी थकावट सी महसूस करता है। योग करने के बाद एक मेंटल रिलैक्स जो होता है वो देखने को मिलता है, जैसे जब हम योग करके जाते हैं तो काफ़ी।